हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी पाइथन। पाइथन को में हम करने वाले हैं माइसिक्वल पे काम। माइसिक्वल में हमने आपको काम करके अब तक बताया है मेरी प्रीवियस वीडियोस में। आप अगर चाहें तो आप सीख सकते हैं। डेटाबेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होता है किसी भी टेक्नोलॉजी का। अगर हम बात करें कि आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, या फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, तो हर फील्ड के लिए डेटाबेस इज़ अ कंपलसरी पार्ट। ओके, तो गाइस मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पाइथन में, अगर पाइथन सीखना चाह रहे हैं, अगर पाइथन डेवलपर आपको बनना है तो भी आपको डेटाबेस चाहिए, और अगर आपको डेटाबेस फील्ड में जाना है यानी कोर डीबीए बनना है आपको, तो भी आपको डेटाबेस पे नॉलेज होना फिर तो आपके लिए मैंडेटरी पार्ट हो जाता है। तो हमने अब तक आपको क्या बताया, कर्ड ऑपरेशन बताया यूजिंग माईसिक्वल, कनेक्शंस कैसे इस्टेब्लिश करते हैं पाइथन में। इसके अपार्ट आपने एक वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप एडवांस कीवर्ड्स पर कैसे काम करते हैं। तो ये वीडियो आपकी है, आपको ये वीडियो कैसे मिलेगा, आप सिंपल जाइए एपीके ग्लोबल, सर्च करेंगे आप चैनल, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे। वीडियोस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ये मेरा वीडियो मिल जाएगा, पाइथन ट्यूटोरियल यूजिंग माईसिक्वल एडवांस कीवर्ड्स। तो आप इस पर क्लिक करके अपना ये फर्स्ट पार्ट मतलब देख सकते हैं, जिसमें आपको मैंने काफ़ी कीवर्ड्स कवर कर रखे हैं। मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाउ यू कैन वर्क ऑन द एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नॉट, लिमिट, ऑर्डर बाई, मैक्स, मिन, काउंट, एवरेज, सम। तो गैस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं अगर हम क्या करना चाहते हैं, एज अ डीबीए रोल में अपने आप को अप्लाई करना चाहते हैं। नाउ आज मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो आज मैं क्या करूँगा, आपको एडवांस कुछ कीवर्ड्स पे काम करना सिखाऊंगा, जिसमें आज हम लाइक, इन, नॉट इन, बिटवीन, एलियास, ग्रुप बाई, हैविंग, इन कीवर्ड्स पे काम करेंगे। ओके, तो गाइस ये हमारे सबसे मतलब एक तरीके से इशेंशियल कीवर्ड्स होते हैं। ओके, अगर आपको कोई मतलब कोड फील्ड में एंटर करना है तो आपको इन कीवर्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं जैसे कि अपना फ्रेंड यूज़ करूँगा वी एस कोड। ओके, पाइथन के लिए मैं बेसिकली एडिटर टूल प्रेफर कर रहा हूँ वी एस कोड को। आप जिसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ओके, द गुड पार्ट इज़ मेरे पास ये मेरा पुराना कोड एज इट इज़ आ गया। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखेंगे जो मैंने आपको अभी दिखाया था, उसको देखकर आप ये वाला पार्ट पूरा कर सकते हैं, यानी एडवांस कीवर्ड्स पे फर्स्ट पार्ट का काम आपको हो जाएगा, जिसमें आप सम, एवरेज, काउंट, लिमिट, ये सारे कीवर्ड्स पे आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आज हम बात कर रहे थे कुछ बाकी एडवांस कीवर्ड्स पे। तो एक कीवर्ड होता है हमारा एलियास। इसके लिए आपको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डेटाबेस के लिए मैं यूज़ करूँगा वर्कबेंच, MySQL Workbench। मैंने Workbench के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप मेरे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दूंगा। आप उसको देखकर क्या कर सकते हैं, इजीली ये सीख सकते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट द कनेक्शन विद Workbench, हम Workbench पे कैसे काम करेंगे यूजिंग द पाइथन। तो ये मेरा डेटाबेस बना हुआ है, मैं इसमें पासवर्ड एंटर करूँगा, मुझे पासवर्ड पता है, कंटिन्यू एनी वे। ओके, या दिस वन। सो गाइज यहाँ पे हम स्कीमा, बेसिकली वर्कबेंच पे आपका डेटाबेस वगैरह क्या होता है, ये स्कीमा बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारी ये टेबल है, टेबल का नाम हमारा एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय से मैं रिकॉर्ड फैच करना चाहूँगा कि मेरे क्या रिकॉर्ड्स हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड्स हैं मेरे बेसिकली। ओके, एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड हैं, इनके डिपार्टमेंट है, ईमेल आईडी है, एंड इनकी सैलरी है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं क्या करूँगा, अपने जो एडवांस कीवर्ड्स हैं जो आज मैं काम करने वाला हूँ उन पे मैं काम करके आपको दिखाऊंगा। चलिए कोई नहीं, तो ये काम करते हैं। पहले बात करते हैं हम एलियास की। एलियास होता क्या है बेसिकली, एलियास का काम क्या होता है गाइस, एलियास करता यह है, इट विल रिनेम दी कॉलम नेम और टेबल नेम। अगर आपको कॉलम नेम और टेबल नेम को रीनेम करना है तो उसको ये क्या करता है, एलियास बेसिकली शॉर्ट टाइम के लिए वो क्या करेगा, जब आप उसको क्वेरी को हिट करेंगे वहाँ पे उसका नाम चेंज कर देगा। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं हम, मैं एक क्वेरी बना देता हूँ, एलियास क्वेरी दैट विल बी इक्वल्स टू सेलेक्ट ईएमपी नेम, मेरा कॉलम नेम था ईएमपी नेम एज। एलियास जब भी यूज़ होगा तो एलियास किस तरह यूज़ होगा, कीवर्ड क्या यूज़ होगा, एस एस के बाद आप क्या करेंगे, अब हमारा कॉलम नेम था ई एम पी नेम, मुझे इसको चेंज करना है किस में, एम्प्लॉय नेम में। इट्स टोटली अप टू यू, आप किस में चेंज करना चाहते हैं, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय
दैट्स इट। नाउ अब इस क्वेरी को हमें हिट करना है। क्वेरी हिट करने के लिए मेरे को पहले ही आपको मैंने बता रखा है, मेरी लास्ट वीडियो में आपको पता लगेगा, क्वेरी जितनी भी होगी वो हमारे कनेक्शन के पास एक फंक्शन होता है कर्जर, तो वो कर्जर के थ्रू हम सारी क्वेरी को हिट कराते हैं। ओके क्योंकि वो एक फंक्शन देता है एग्जीक्यूट ऑपरेशन। तो हमें बेसिकली क्या करना है, MySQL की क्वेरी हम लिखते हैं और उसको किसी वेरिएबल में पास करते हैं, एंड हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कर्जर वेरिएबल है उसमें हम फंक्शन कॉल करेंगे एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट फंक्शन में हम इस वेरिएबल को पास कर देंगे जिसके अंदर हमारी क्वेरी स्टोर है। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, रन करके देखना है। हम प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट माई कर्जर डॉट फैच ऑल। फैच ऑल क्या करता है, जितना भी डेटा आपका कर्जर से रिट्रीव हुआ होगा वो सारा फैच होके कर्जर आपको प्रिंट में डिस्प्ले करा देगा। अब इसको हम रन करते हैं। ओके आप देख सकते हैं, यू विल गेट द डेटा ऑफ पवन शर्मा, वानी, अंजनी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, ये मेरा टर्मिनल है, दैट्स वाई ये आपका कॉलम नेम यहाँ पे शो नहीं करता। इस क्वेरी के लिए मैं यहाँ पे ही इस हेल्प ले लेता हूँ, एंड सेलेक्ट ईएमपी नेम एज एम्प्लॉय नेम फ्रॉम, ओके एम्प्लॉय, देन इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये कॉलम नेम क्या आ रहा है, एम्प्लॉय नेम। मैंने केवल एक ही इन्फॉर्मेशन फैच की है, तो दैट्स वाई वो मेरे को एक सिंगल रिकॉर्ड ही दिखा रहा है। ओके तो गाइस एलियास हमारा बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है, जब एक से ज़्यादा टेबल होते हैं हम वहाँ पे एलियास को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके क्योंकि टेबल्स के नेम में क्या होता है, उसको डिस्टिंग्विश करना होता है। डिपार्टमेंट को DEPT कर दिया आपने, एम्प्लॉय को EMP कर दिया, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेन वी हैव अ मल्टीपल टेबल्स और उनके बिटवीन हमें कोई ऑपरेशन जॉइंस वगैरह लगाना है या कोई कंडीशन लगानी है दो टेबल के बिटवीन, देन वी हैव टू यूज़ दिस एलियास ऑपरेटर। ओके सो गाइस आगे मूव करते हैं, इसको वापस हम पहला जैसे ही कर देते हैं, कंट्रोल जेड। चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम दोबारा इसको अगर वो करेंगे सेलेक्ट रोस वो आ जाएगा क्वेरी। ठीक है नाउ अब यहाँ पे हम बात करेंगे एलियास के बारे में। तो हो गया हमारा, उम्मीद है ये एलियास आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक में मतलब कोई चीज़ समझ नहीं आई, या फिर कुछ एडवांस आपको अगर चीज़ क्लियर करनी है, कोई कीवर्ड ऐसा है जो मेरे से मिस हो गया, ओके तो आप मुझे बता सकते हैं। अब एलियास के बाद बात करेंगे हम बिटवीन। बिटवीन क्यों यूज़ होता है, इट विल शो द रिकॉर्ड्स इन रेंज। एक रेंज के बिटवीन मुझे रिकॉर्ड्स अगर फैच करने हैं तो मैं क्या करता हूँ, किसको यूज़ करता हूँ, बिटवीन को यूज़ करता हूँ। बट ऐसा है कि बिटवीन रेंज, अगर रेंज की मैं बात कर रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे इट विल वर्क ऑन दी न्यूमेरिक डेटा, ये न्यूमेरिक वैल्यूज पे वर्क करेगा नहीं, ये हमारे क्या कर सकता है, स्ट्रिंग पे भी वर्क करेगा। यानी स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, टेक्स्ट बोलेंगे, ओके क्योंकि हम डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, टेक्स्ट पे भी वर्क करेगा, इवन डेट्स पे भी वर्क करेगा। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। एलियास में आपको समझ में आया कि एलियास क्या कर रहा था, आपका कॉलम नेम या टेबल नेम अगर हमें रीनेम करना है। नाउ बिटवीन क्या करेगा, ये रिकॉर्ड्स को आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये रिकॉर्ड्स क्या होगा, एक रेंज के बिटवीन होगा। रेंज के बिटवीन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रिकॉर्ड है, अब यहाँ पे एक सैलरी की अगर मैं बात करूँ, मुझे ऐसे एम्प्लॉयज़ की कंपनी में मेरा मैनेजर आया और उसने मेरे को बोला, पवन एक काम कीजिए आप ऐसे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड निकाल के दिखाइए जिनकी सैलरी 10,000 से 25,000 या फिर 10,000 से 25,000 के बिटवीन है। ओके मुझे वो एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम बिटवीन की हेल्प लेंगे, उसमें कैसे लेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है मैं कमेंट में क्वेरी लिख देता हूँ, फाइंड द एम्प्लॉय who got salary in between 10K to 25K, okay? अब आप क्वेरी लिखेंगे, MySQL की क्वेरी लिखेंगे, तो उसको स्टोर करने के लिए आपको किसी वेरिएबल को यूज़ करना होगा। तो हमने वेरिएबल नेम ले लिया बिटवीन क्वेरी, दैट विल बी इक्वल्स टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है मेरा, एम्प्लॉय, वेयर, ओके वेयर। अब आपने क्या किया, वेयर क्वेरी लगाई, वेयर क्वेरी लगाने के बाद यहाँ पे हम करेंगे क्या, कॉलम नेम देंगे, कॉलम नेम क्या देंगे हम, कॉलम नेम देना है मुझे सैलरी,
क्योंकि मेरा एम्प्लॉय सैलरी पे लगेगा ये EMPSAL। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हमें कॉलम नेम मेंशन करना है। कॉलम नेम कहाँ पे कहाँ से आएगा मैं आपको बता देता हूँ। कॉलम नेम आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से आपको कॉलम नेम मिल जाएगा। ओके, दिस इज़ द कॉलम नेम एम्प्लॉय सैलरी। नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय सैलरी बिटवीन 10K 10,000 एंड ऑपरेटर। एंड क्यों? क्योंकि आपको इन दोनों के बीच बिटवीन चेक करना है। ओके, 25K 25,000। ओके, हमने क्या किया, हमने कंडीशन लगाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर एएमपी, ये कॉलम नेम हो गया हमारा, एम्प्लॉय सैलरी बिटवीन 10,000, यानी ये फर्स्ट रेंज हो गई हमारी स्टार्टिंग रेंज, और ये हमारी एंड रेंज हो गई 25,000 ये ज़्यादा हो गया मेरे से। ओके, 25,000, ठीक है, वो लैक नहीं। चलिए ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये क्वेरी जो भी हमें एग्जीक्यूट करानी है, एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माइकर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन। एंड जो भी हमारी क्वेरी हम जिसमें वेरिएबल में हमने पास किया है, उस वेरिएबल को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट में डाल देंगे, देन हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के लिए आपका डेटा किसके पास है, माइकर्सर के पास। सारा डेटा फैच करने के लिए वी हैव टू यूज़ द फंक्शन ऑफ फैच ऑल। नाउ हम रन करते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं नीचे टर्मिनल। ओके फाइन, नाउ वी गॉट दी डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, दोज पीपल आर गेटिंग दी सैलरी इन बिटवीन 10K to 25K। तो आप देख सकते हैं पवन की सैलरी कितनी है, 20,000। HR की सैलरी, आपकी अंजनी की सैलरी है 10,000, राहुल की 23,000 एंड रमेश की 20,000। यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो 10K से कम वैल्यू का हो या फिर 25K से ज़्यादा वैल्यू का हो। इवन यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें 5,000 का भी एक रिकॉर्ड है हमारे पास, एज वेल एज 30,000 का भी हमारे पास रिकॉर्ड है। तो रेंज बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, बिटवीन वर्क कर रहा है एक तरीके से, दो वैल्यू के बिटवीन, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू के बिटवीन जितना भी वैल्यू लाई करेंगी उनको आपको रिकॉर्ड्स को निकाल के देगा। ओके, ये स्टार्टिंग रेंज हो गई, ये एंडिंग रेंज। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये केवल इस पे वर्क नहीं करेगा कि लाइक आपका क्या बोलते हैं एक तरीके से न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने न्यूमेरिक वैल्यू डाला, तो ऐसा नहीं है कि ये न्यूमेरिक पे वर्क करेगा, ये आपका टेक्स्ट डेटा पे वर्क करता है। तो एक काम करते हैं, ये तो हमारा न्यूमेरिक का केस हो गया, अब हम टेक्स्ट का केस ले लेते हैं। स्मार्ट वर्क कॉपी पेस्ट, इसको हम कमेंट कर देते हैं, कोड को मैं कभी डिलीट नहीं करता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने चेंज कर दिया, फाइंड द एम्प्लॉय, ओके नेम, जो कि आपके क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें जिनका नाम W मतलब P से स्टार्ट होता है, P से Z तक, P to Z, यानी जिनके नाम पवन से लेकर मतलब P से पवन और जेट से मान लीजिए कोई भी आपका नेम है, ठीक है। तो इस रेंज के बिटवीन जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मुझे वो एम्प्लॉयज़ फाइंड करने हैं। चलिए आप देखते हैं ये कैसे करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेम रहेगा, वेयर एम्प्लॉय सैलरी। अब मैं किस पे कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, मुझे एम्प्लॉय नेम पे कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पे ये नाम चेंज, कॉलम नेम चेंज करना होगा, EMP नेम बिटवीन। अब बिटवीन में हम क्या करेंगे, हमें टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम सिंगल कोट के अंदर देंगे पवन शर्मा, पवन शर्मा से लेकर मुझे एंड। एंड क्यों, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वैल्यू हो गया कि आप पवन शर्मा से लेकर लास्ट वैल्यू किस रेंज तक, वानी शर्मा, वानी शर्मा है या वानी है, ओनली वानी, ओके वानी। तो इनके बिटवीन जितने भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते होंगे वो सारे हमें फैच करने हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक चीज़ और की जाती है इसमें, ऑर्डर बाई, ORDR, ऑर्डर बाई, ठीक है, EMP नेम। हमने क्या किया, ऑर्डर बाई EMP नेम लगा दिया है। EMP नेम का मतलब जो भी मतलब ये रिकॉर्ड आएगा ये एक मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आएगा, तो ऑर्डर बाई आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डेटा को दिखाने के लिए यूज़ होता है। अब इसको रन करते हैं, ओके आप देख लीजिए, अगर हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखें, PQR, R के बाद रमेश भी आ रहा है, ठीक है, रोहन भी आ रहा है, वानी भी आ रहा है, क्योंकि मुझे पी से जेड तक चेक, पी से डब्लू तक चेक करना था, पी से जब डब्लू तक। तो पी क्या हो गया हमारा एक तरीके से इनिशियल अल्फ़ाबेट, हमारा एक तरीके से स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ अल्फ़ाबेट,
वाणी का डब्ल्यू क्या कर रहा है कि इनके बिटवीन यानी पी करेक्टर से लेकर डब्ल्यू करेक्टर तक अल्फ़ाबेट में जितने भी करेक्टर लाई करेंगे, जैसे पी के बाद क्या आता है, आर आता है, तो राहुल हमारे पास आ गया, रमेश आ गया, रोहन आ गया, ओके, एज वेल एज वाणी भी आ गया। लेकिन यहाँ पे पी से डब्ल्यू तक ए नहीं आता, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमारा एक रिकॉर्ड है अंजनी नाम का, वो यहाँ पे हमें नहीं मिला। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि सपोज़ एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है और आपको बोलता है कि मुझे एक काम कीजिए, बी से लेकर जेड तक जितने भी मेरे कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है और जेड तक, इन सारे एम्प्लॉयज़ के नेम की लिस्ट चाहिए, तो आप उसमें बिटवीन को यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा बिटवीन। बिटवीन के बाद हम बात करेंगे लाइक क्वेरी की, कि लाइक क्वेरी कैसे यूज़ होता है और क्या करता है। तो लाइक देखिए, लाइक का काम क्या होता है, इट विल सर्च दी रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन दी स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, देखिए आप इसको अगर आप ध्यान से समझें तो हम क्या करते हैं, हम कभी भी कोई सर्च करते हैं, जैसे यूट्यूब पे हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड डालते हैं, जैसे हमने डाला मान लीजिए डेवलपमेंट, DEV डालते हैं, तो वो आपको कुछ सजेशन देता रहता है कि आगे ई यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक क्वेरी बेसिकली क्या करती है, ये स्ट्रिंग मैचिंग पे काम करती है। स्ट्रिंग मैचिंग का क्या काम होता है, बेसिकली ये आपको क्या करेगी, अगर कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो उस वो जो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है उसमें हम स्ट्रिंग पैटर्न की हेल्प से ये फाइंड करेंगे कि क्या वो स्ट्रिंग मैच हो रही है, अगर मैच हो रही है तो हमारा रिकॉर्ड रिट्रीव होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे जैसे मैं बात करता हूँ, किसी ने मेरे को बोला कि आपकी जो ये मतलब आपने डेटाबेस बनाया है, आपकी जो फॉर्म है इसमें मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन एम्प्लॉय है जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है, मुझे जो भी पी से नाम स्टार्ट होते हैं उन एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैंने वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकता हूँ, इसके अंदर मैं लाइक क्वेरी पास करूँगा। लाइक क्वेरी क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम टेबल नेम टेबल नेम टेबल नेम टेबल नेम टेबल नेम मेरा है एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम हमारा क्या हो गया एम्प्लॉय। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद हमारा होगा, हमने यहाँ पे वेयर कंडीशन लगानी है, वेयर नाउ, वेयर के बाद हम क्या करेंगे, कॉलम, ऑब्वियसली बात है हमें कॉलम नेम देना होगा। अब कॉलम नेम किस पे देखना है, मुझे एम्प्लॉय नेम पे क्या करना है, अपना सर्चिंग लगाना है, तो एम्प्लॉय नेम लाइक LIKE लाइक लाइक यहाँ पे कीवर्ड है हमारा, ओके लाइक। अब मुझे ऐसे एम्प्लॉय फाइंड करने हैं सिंगल कोट, सिंगल कोट क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एक स्ट्रिंग को मैच करा रहे हैं, तो स्ट्रिंग के लिए हम सिंगल कोट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ का याद रखिएगा, यहाँ पे ना जब भी हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक आपका परसेंटेज और एक अंडरस्कोर। अब परसेंटेज अंडरस्कोर क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। सपोज़ कीजिए मैंने आपको बोला मुझे एक ऐसे एम्प्लॉय के नाम चाहिए जो पी से स्टार्ट होते हैं, पी से अगर स्टार्ट होते हैं तो पी आप उसके एंड में क्या लगा देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि मुझे वो एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनका नाम पी से स्टार्ट होता है, ओके, पी के आगे कुछ भी होगा मैटर नहीं करता, लेकिन आपका फर्स्ट जो करेक्टर होना चाहिए वो पी होना चाहिए, जैसे पवन शर्मा, ओके, प्रमोद, ओके। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूट कराने के लिए हम कर्सर को हेल्प लेंगे, डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करेंगे, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर लाइक क्वेरी पास करेंगे, आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिंट द डेटा, हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, अपना माई कर्सर डॉट फैच ऑल, सारे रिकॉर्ड हमें फैच करने, रन करते हैं इसको, हम क्लियर कर लेते हैं, ओके। सो हेयर आई गॉट द नेम ऑफ पवन शर्मा, वाह अच्छी चीज़ है। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मेरा एक रिकॉर्ड है वानी, अब वानी में स्टार्ट किससे हो रहा है, वो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, चलिए चेक करते हैं क्या वानी मिल रहा है, वानी मिल गया। अंजनी ए से स्टार्ट होता है, देखते हैं क्या मिलेगा मुझे, अंजनी, अंजनी मिल गया मुझे, ठीक है गुड। यानी कहने का मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ दिस लिटरल जो मैं ए बी सी ये पास कर रहा हूँ, इनके बेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ कि मेरे इस वैल्यू से मतलब कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब मान लीजिए ये तो हो गई हमारी कि हमें स्टार्टिंग अपने वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी स्टार्टिंग करेक्टर पता होना चाहिए। अब अगर कोई बोलता है कि मुझे स्टार्टिंग करेक्टर नहीं, मुझे एंड करेक्टर पता है, यानी कहने का मतलब है मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा पर्सन का नाम चाहिए आपके कंपनी में जिसका नाम एंड होता है आई से, तो आप क्या करेंगे, इस परसेंटेज से
पहले आप परसेंटेज से पहले लगा रहे थे, ओके अब क्या करेंगे, परसेंटेज के बाद लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट विद, ओके अगर परसेंटेज से पहले है और परसेंटेज के बाद है तो यहाँ पे होता है एंड विद। एंड विद का मतलब कि जो वैल्यू एंड हो रही है। अब मुझे ऐसा रिकॉर्ड निकालना है जो एंड हो रहा है आई से, ओके रन करते हैं, चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वन ही एंड किससे हो रहा है, आई से। उसके अलावा यहाँ पे एक रिकॉर्ड और मैच हुआ आपका अंजनी, अंजनी में रिकॉर्ड एंड किससे हो रहा है आपका नेम, आई से। अब इसके बाद रोहन एन ले लेते हैं हम, रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड आपका रोहन एन आ गया, ओके एन की वजह से रोहन आ रहा है। अब मान लीजिए कोई आपको ये बोलता है कि ठीक है ये तो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स पता लग गया, मतलब अगर स्टार्टिंग करेक्टर हमें चेक करना है, एंड करेक्टर चेक करना है, ये तो आप क्लियर हो गया। बट मान लीजिए मेरे को स्टार्टिंग और एंड नहीं देना, मेरे को बीच में कोई करेक्टर पता है, ओके बीच में देर इज सम करेक्टर जो एग्जिस्ट करता है, मुझे उसकी उसके बेस पर सर्च करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, आप दो बार परसेंटेज यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए आपको कोई ऐसा करेक्टर सर्च करना है जैसे एच ए, ऐसा रिकॉर्ड देखना है जिसमें कहीं पे भी आपका एच ए एग्जिस्ट करता हो। हो सकता है वो सेकंड पोजीशन पे हो, थर्ड पे हो, फोर्थ पे, बस उस नाम में एच ए होना चाहिए, ओके और एच ए साथ में होना चाहिए। तो अब इसको चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पवन शर्मा, शर्मा भी एच ए है, रोहन, रोहन में भी एच ए है, ओके तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं जिसके आपको कभी भी ये रिकॉर्ड मतलब बोला जाता है कि हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड फाइंड करना है जिसके नाम में कहीं पर डब्ल्यू ए आता है या फिर कहीं उसके नाम में कहीं पर एम ए आता है, ओके नाउ तो ये तो हमारी बात हो गई इसकी। अब इसके अलावा इसको मैंने आपको पहले ही बताया था ये कि एक तो इसमें परसेंटेज आप याद रखिएगा और एक अंडरस्कोर। अब इसमें अंडरस्कोर देखते हैं, अंडरस्कोर किस लिए यूज़ होता है। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा मुझे एक रिकॉर्ड ऐसा बताइए जो स्टार्ट पवन स्टार्ट सपोज डब्ल्यू से हो रहा है, ओके लेकिन जिसके अंदर क्या है एक दो तीन, मतलब तीन लिटरल्स या तीन करेक्टर्स और यूज़ हो रहे हैं, ओके अब चेक करते हैं हम कि कैसे होगा ये, रन करते हैं। तो वन ही मिल गया आपको, अब एक करेक्टर और बढ़ा देते हैं, रन करते हैं। इस बार रिकॉर्ड आपको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि इस बार आपके कितने हो गए, ये टोटल फाइव करेक्टर्स हो गए इंक्लूडिंग डब्लू। तो इस वजह से क्या है, कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसमें आपका डब्लू के बाद चार रिकॉर्ड मतलब चार करेक्टर ऐड हो, क्योंकि वानी में कितने करेक्टर ऐड हो रहे हैं डब्लू के बाद, ए एन आई ओनली थ्री करेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, ओके तो ये करेक्टर काउंट्स के बेस पे अंडरस्कोर हेल्प करता है आपको। तो ये बात हो गई हमारी स्ट्रिंग मैचिंग की, ओके तो उम्मीद करता हूँ लाइक क्वेरीज आपको क्लियर हुई हो। अब लाइक के अलावा एक होता है इसमें नॉट लाइक। नॉट लाइक क्या होता है, देखिए नॉट क्या है, नॉट हर जगह यूज़ हो जाता है, यहाँ पे भी नॉट यूज़ हो जाएगा और यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा। मैं दोनों में यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, बिटवीन में भी और लाइक में भी, ताकि आपको नॉट का मतलब समझ में आए कि नॉट कैसे यूज़ होता है। आपको बस क्या करना है, लाइक से पहले नॉट लगाना है, देन मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा कोई रिकॉर्ड चेक करना है, पहले क्या आ रहा था, चलिए मैं पहले इसकी बात करता हूँ कि ऐसा कोई रिकॉर्ड फाइंड करना था जो क्या कर रहा था स्टार्ट विद डब्ल्यू से, मतलब एग्जिस्ट करता हो, चलिए डब्ल्यू करते हैं कि जो स्टार्ट करता है डब्ल्यू से, यानी ऐसा कोई नेम चाहिए एम्प्लॉय का जो स्टार्ट विद डब्ल्यू हो। तो अगर ये नॉट नहीं होता तो क्वेरी ये आपकी क्या होती कि आप ऐसा कोई एम्प्लॉय का नाम बताइए जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने नॉट बता दिया। तो नॉट में क्या करेगा, ये डब्ल्यू रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड आपके रिट्रीव कर देगा। इसमें देख लेते हैं, तो आप देखिए पवन आ गया, अंजनी आ गया, राहुल, रोहन, रमेश, बट क्या नहीं आया, वानी नहीं आया, क्योंकि ये क्या करता है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट की तरह काम करता है, ओके तो नॉट क्या करेगा, किसी भी स्टेटमेंट का अपोजिट आपको रिजल्ट दे देगा, ओके सेम ये चीज़ आपकी यहाँ पे वर्क करेगी। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इन बिटवीन अगर आप बात करें, जैसे हम इसको रन कर रहे हैं अभी, क्लियर कर लेते हैं पहले, ओके सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए थे जो क्या कर रहे थे पवन, मतलब पी से लेके डब्ल्यू तक जितने भी नाम एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए थे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बिटवीन से पहले मैं कीवर्ड ऐड कर दूंगा नॉट, ओके यानी कहने का मतलब पवन से लेकर वानी तक जितने भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर नाम आ रहे उन रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड मुझे दे दीजिए। तो पहले क्या था, अंजनी नहीं आ रहा था, इस बार हम देखेंगे केवल एक ही रिकॉर्ड आएगा, कौन सा, अंजनी। तो आप देख सकते हैं क्योंकि अंजनी इस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ओके
तो नॉट का आपको यहाँ पे समझ आया होगा मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं। ओके नाउ लाइक हमारा हो गया, अब लाइक के बाद हम बात करेंगे इन इन क्या करता है। ओके इन, देखिए इन का बेसिकली काम क्या होता है, इन बेसिकली काम करता है इट विल वर्क ऑन मल्टीपल रिकॉर्ड्स। ओके ये क्या करता है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे वर्क करता है एंड एक्ट लाइक और मतलब एक तरीके से और की तरह ये वर्क करता है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्वेरी के बेस पे समझा देता हूँ। सपोज़ कीजिए मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स फाइंड करने हैं जो कि मतलब आप बोल सकते हैं, मैं क्वेरी लिख देता हूँ, फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल्स वर्क इन सेम टीम। मतलब कहने का मतलब है कि जो सेम टीम में काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ की मुझे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो अब इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं हम। मैं इन क्वेरी लगा देता हूँ, इन क्वेरी दैट विल बी इक्वल्स टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम मेरा है एम्प्लॉय। ओके वेयर, ओके कॉलम नेम क्या है मेरा, कॉलम नेम कॉलम नेम कॉलम नेम, मुझे किस पे चेक करना है, मुझे चेक करना है टीम पे। तो टीम के लिए क्या यूज़ होगा, डिपार्टमेंट EMP DEPT डिपार्टमेंट इन, यानी कहने का मतलब है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट किस में होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट है आपको पता है, आपको HR डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो HR क्या है यहाँ पे एज अ टेक्स्ट है, तो इसलिए आप सिंगल कोट के अंदर वैल्यू डालेंगे HR कॉमा, और क्या देखना था आपको, मार्केटिंग टीम के बंदे देखने थे मार्केटिंग। तो हमने इस क्वेरी को लगाया कि मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि मेरे क्या है यहाँ पे दो कॉलम हो गए आपके, मतलब दो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हो गए HR और मार्केटिंग। अब इसमें अगर मेरा क्या कर रहे हैं, सेम पर्सन वर्क कर रहे हैं, तो उनकी डिटेल्स चाहिए। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूट कराने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, आप अपनी इन क्वेरी को पास कर देंगे यहाँ पे, देन इसके बाद आप क्या करेंगे प्रिंट करा देंगे, और प्रिंट में आप किसको पास कर देंगे, माई कर्सर डॉट फैच, सॉरी फैच ऑल। इसको रन करते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं नीचे। ओके फाइन, सो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे वही रिकॉर्ड हमारे आपको मिलेंगे जो कि HR और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करते हों। जैसे कि वानिया आपका किस डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, अंजनी HR डिपार्टमेंट में, और राहुल आपके किस में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, रमेश आपके HR डिपार्टमेंट में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इन क्वेरी को एक तरीके से और की तरह भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, हम इसको अगर इन यूज़ नहीं कर रहे तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हमें क्या करना होता है, HR और केस लगा के एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इक्वल्स टू मार्केटिंग। यानी इस क्वेरी को हमें दो एंड मतलब और क्या करता, दो बार हम इसको यूज़ करते कि एक बार एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हम चेक करते HR अगर मैच कर रहा है, और एक बार हम कराते किसके थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू। तो इसने क्या किया, हमारे दो कंडीशन को वन कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर। ओके तो इनका यहाँ पे आपको पर्पज़ समझ में आया होगा, इन इज़ जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ और। ओके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया है, मैंने चेक करा है कि हाँ मेरे जितने भी डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। तो मैंने बस इन क्वेरी लगाया, इन में मेरा जो भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं मैंने उस मतलब जैसे मैंने यहाँ पे डाला क्या, हमारा डिपार्टमेंट नेम कॉलम नेम, और उसके बेस में जो भी डिपार्टमेंट है वो हम यहाँ पर पास कर दिया। अब इनके बाद हम बात करेंगे किसके, ओके तो अब बात कर रहे हैं हम ग्रुप बाई की। ग्रुप बाई करता क्या है, कैसे हम यूज़ करते हैं, तो समझ लेते हैं हम ग्रुप बाई। एक्चुअली ग्रुप बाई बेसिकली करता क्या है, इट विल आप बोल सकते हैं कंबाइन मल्टीपल रोज। ओके इट विल कंबाइन द मल्टीपल रोज एंड वर्क मतलब या बोल सकते हैं एंड यूज्ड विद काउंट मैक्स
मिन एवरेज सम फंक्शन। आपको मतलब ग्रुप बाई जब भी मिलेगा, ग्रुप बाई का बेसिकली काम क्या होता है, ये क्या करता है, अगर हमारा सिमिलर कंटेंट है, कंटेंट अगर सिमिलर है, सिमिलर का मतलब जैसे कि डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या होता है, अगर आप कोई कंपनी है और उस कंपनी में मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज़ हैं बट डिपार्टमेंट 5 हैं, तो क्या होगा, बहुत से डिपार्टमेंट में सेम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, तो उस बेस पे ये क्या करता है, ग्रुप बना देता है। ओके, तो ग्रुप बाई का बेसिकली काम ये होता है कि आपको ये क्या करेगा, जो भी सिमिलर रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना। कहने का मतलब बेस्ड ऑन दी, अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट नेम, तो डिपार्टमेंट नेम सिमिलर मिलेंगे हमें, तो उस बेस पे ये क्या करेगा, ग्रुप बना के आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड कराएगा। नाउ अभी कैसे वर्क करता है, इसके लिए हमें क्वेरी निकलते हैं, और उससे पहले हम लिख लेते हैं हमें करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन द सेम टीम। मुझे क्या करना है, मुझे वो एम्प्लॉयज़ फाइंड करना है जो सेम टीम में काम कर रहे हैं। चलिए तो इसके लिए हम लिखते हैं ग्रुप बाई क्वेरी, कुछ भी ले लीजिए नाम, इज जस्ट अ वेरिएबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। उससे पहले क्योंकि अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्रुप बाई लगाना है, तो मुझे ये फाइंड करना होगा कि क्या बोलते हैं, सिमिलर रोज़ के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे उसको काउंट करना है, तो यहाँ पर काउंट फंक्शन लगेगा। अब मैं किस पे काउंट लगाऊंगा, मैं एम्प्लॉय नेम पे, ओके, यानी मुझे एम्प्लॉय के नेम काउंट कराने हैं। देन इसके साथ मुझे और क्या दिखाना है, उनका डिपार्टमेंट दिखाना है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फ्रॉम टेबल नेम क्या है मेरा एम्प्लॉय। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप बाई, क्योंकि मेरे को ग्रुप बाई लगाना है, GROUP ग्रुप बाई। देन हमारा कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या है, हम मतलब किस कॉलम नेम पे हम ग्रुप बाई लगाना चाहते हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट EMPDEPT, मतलब हमें इस एम्प्लॉय डिपार्टमेंट पे ग्रुप बाई लगाना है। देन इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्सर को पास करेंगे फंक्शन एग्जीक्यूट, और उसके अंदर ये जो पूरी क्वेरी है इसको पास कर देंगे यूजिंग वेरिएबल। देन हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे अपने डेटा को, तो डेटा हमारे माई कर्सर के पास है, सारा डेटा रिट्रीव करने के लिए हम फैच ऑल फंक्शन कॉल करेंगे, हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे और रन करेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, 2, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, एम्प्लॉय नेम काउंट किया है, तो 2 एम्प्लॉय के नेम काउंट हो रहे हैं वहाँ पे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, 2, सेम चीज़। HR डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, 2, आप यहाँ पे आके देख भी सकते हैं रिकॉर्ड्स को एक बार वेरीफाई करने के लिए कि यहाँ पे आपके HR में 2 हैं, डेवलपमेंट में 2% काम कर रहे हैं और मार्केटिंग में भी 2 हैं, तो ये क्या है, आपका करेक्ट डेटा है। तो ग्रुप बाई का बेसिकली आपको काम समझ में आया होगा, ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे बात की जाए, अगर हमारा मतलब रो सेम है, रो सेम होने का मतलब HR जैसे HR क्या था, एक से ज़्यादा मतलब सेम मतलब मल्टीपल रोज में सेम इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही थी, तो उस केस पे ये क्या करता है, ग्रुप बना लेता है और ग्रुप बना के आपको इन्फॉर्मेशन शो करता है। अब ग्रुप बाई तो एक चीज़ हो गया, इसके बाद बात करेंगे हम हैविंग की। हैविंग को हम यूज़ क्यों करते हैं, देखिए हैविंग को यूज़ करने के लिए हम क्या मतलब इसको क्यों यूज़ किया जाता है, बेसिकली हैविंग क्या है, एक अल्टरनेट है वेयर क्लाउज का, मतलब अल्टरनेट भी नहीं बोलूँगा इसमें, बात करूँगा कि वेयर क्लाउज की ना एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, ये ना जो हमारे हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हाई ऑर्डर फंक्शन में मैं यहाँ पर बात करूँगा आपके काउंट फंक्शन, एवरेज फंक्शन, सम फंक्शन, उन पर ये क्या करता है, वेयर क्लाउज काम नहीं करता। तो इसकी हम क्या करें, मतलब हाई ऑर्डर फंक्शन पे काम कर पाएँ, इस वजह से क्या किया गया, आपको एक चीज़ इंट्रोड्यूस की गई जिसका बोला गया क्या, एक तरीके से हैविंग। तो हैविंग पे आप कैसे काम करेंगे वो हम देख लेते हैं, इसके लिए मैं इस पार्ट को कमेंट कर देता हूँ। हैविंग इट विल वर्क विद, आप वेयर कंडीशन के साथ भी कर सकते हैं एंड ऑर्डर बाई के साथ भी लगा सकते हैं इसको, ग्रुप बाई के साथ भी लगा सकते हैं, विद आल्सो इट विल वर्क विद वेयर ऑर्डर बाई ग्रुप बाई, ग्रुप बाई आल्सो चेक कंडीशन। मतलब कहने का मतलब ये है गैस कि ये क्या करेगा, इन सारे कीवर्ड्स के साथ तो लगेगा लगेगा, उसके अलावा ये किसी कंडीशन को चेक करेगा, आल्सो चेक द कंडीशन
बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन लाइक जैसे आपका एवरेज हो गया, काउंट हो गया, ठीक है, सम हो गया, इनके बेस पे। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें एक ऐसे मतलब आप बात कीजिए, हमें ये पता करना है कि मान लीजिए हमारा क्या है, हमें मार्केटिंग टीम है, एचआर टीम है और आपकी डेवलपमेंट टीम है। अब मुझे ये पता करना है कि मुझे एक ऐसी टीम के बारे में बताओ जिसमें 3 एम्प्लॉय से ज़्यादा काम कर रहे हो। तो अब तक ग्रुप बाई ने तो क्या किया, ग्रुप बाई ने आपको ये बता दिया नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन एक और लगा दी कि मुझे 3 से ज़्यादा अगर किसी टीम में काम कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चेक द टीम हैविंग 3 एम्प्लॉयज, मतलब एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो सकता है और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हैविंग क्वेरी मतलब एक वेरिएबल लिया, दैट विल बी क्वेश्चन सेलेक्ट। अब यहाँ पे स्टार नहीं लगेगा, ये हमारा सेम वर्क करेगा जैसे कि आप ही मैं बात कर रहा था किसकी, ग्रुप बाई की। तो सेम ग्रुप बाई की तरह इसको यूज़ करते हैं। काउंट, काउंट किस पर लगा रहे थे हम, एम्प्लॉय नेम, देन हमें एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी चाहिए, DEPT, फ्रॉम टेबल नेम क्या था मेरा, एम्प्लॉय नाउ, उसके बाद हमारा ग्रुप बाई, हमने ग्रुप बाई किस पे लगाना था, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, EMP, DEPT, ओके एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। देन इसके बाद हम लगाएंगे कंडीशन किसके थ्रू, हैविंग के थ्रू। तो हमने हैविंग के थ्रू कंडीशन लगा दी, हैविंग। अब कंडीशन हमारी क्या होगी यहाँ पे, ऑब्वियस बात है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को काउंट करना है। काउंट क्या करना है कि मेरे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ क्या होने चाहिए, 3 से ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट आप अपना फंक्शन यूज़ करेंगे। अब आप किसके बेस पे काउंट करेंगे, आप किसी किसी के भी बेस पे काउंट कर सकते हैं, एम्प्लॉय नेम वगैरह या जो भी आपको करना है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सपोज़ मैंने कर दिया EMP नेम, ओके विच इज़ ग्रेटर देन ऑफ 3, ओके नाउ। अब यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करूँगा, my cursor.... एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करूँगा। इसके बाद मेरी जो भी क्वेरी है, हैविंग क्वेरी, मैं उसको वेरिएबल को पास कर दूँगा। देन प्रिंट के अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी स्टेटमेंट प्रिंट कराऊँगा। स्टेटमेंट क्या प्रिंट करानी है मुझे, कर्सर के अंदर से डेटा प्रिंट कराना है। तो कर्सर के पास मेरा डेटा रिट्रीव होगा यूजिंग फैच ऑल फंक्शन। इसको क्लियर कर लेते हैं, हम रन करते हैं। देखिए अभी मेरा क्या आ रहा है, ब्लैंक रिकॉर्ड आ रहा है, क्योंकि क्या है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें अगर मैं बात करूं सेम डिपार्टमेंट में 3 से ज़्यादा एम्प्लॉय हों। तो एक काम करते हैं, 2 मतलब 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय के लिए चेक करते हैं, 0, 1 से ज़्यादा एम्प्लॉय के लिए चेक करते हैं, या हम आपके आ गए, क्योंकि मेरे डेवलपमेंट में भी 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और मार्केटिंग में भी 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और HR में भी 2 काम कर रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, काउंट एम्प्लॉय नेम इज़ ग्रेटर देन 1, ओके। अगर हम ये लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका 2, तो भी हमारी कंडीशन मैच हो रही थी, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे हैविंग, ग्रुप बाय, इन, लाइक, देन आपका बिटवीन, ओके, देन एलियास, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी, ओके। उम्मीद करते हैं अगर आपको ये चीज़ क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें क्या करता है, एक तरीके से पॉजिटिव मोटिवेट करता है कि हाँ हम जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप उसको वर्क कर रहे हैं आप उस पे, और आप उससे कुछ चीज़ सीख पा रहे हैं, ओके। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप आगे भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, मैं डेटाबेस के जॉइंस पे काम करना सिखाऊँगा, जॉइंस पे कैसे काम किया जाता है, जॉइंस मल्टीपल टेबल्स जब बात की जाएगी तब हमारा जॉइंस यूज़ होता है, ओके। तो अब तक हम सिंगल टेबल पे क्या कर रहे थे, हैंड्स ऑन कर रहे थे, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मल्टीपल टेबल्स पे हैंड्स ऑन करेंगे। तो अगर आपको डेटाबेस अच्छे से सीखना है तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और भर के कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो टेक केयर, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।